फाइबर से, कोकोपीट हम लोग कोको फाइबर से बनाते हैं, और नारियल के छिलके से हम लोग क्या करते हैं, तीन तरीके की विधियां हैं कोकोपीट बनाने की। तो तीन तरीके की विधियों में एक है सीजर मेथड। सीजर मेथड, हालांकि ये कैंची छोटी है और बड़ी होनी चाहिए बच्चों, तो बड़ी जो कैंची होगी उसको हम कठोर भाग को काट देंगे। कठोर भाग को क्या करेंगे, काट के हटा देंगे, और जो मुलायम भाग होगा, जो दानेदार भाग होगा, उसको रखेंगे। देखिए जैसे ऐसे इसको रख दिया है, और भी है, कड़े भाग को क्या किया हमने, हटा दिया, और ऐसे ऐसे इसको फिर बाद में हाथ से तोड़ लिया। देखिए गिर रहा है यहाँ पे, एक यह हो गया, देखिए इस तरीके से निकल रहा है। बाद में आप लोग सबको इस तरीके से करके एक जगह इसको निकाल कर रख लीजिएगा। यह एक मेथड हुई। दूसरी जो मेथड है वह हाथ के द्वारा है। हाथ के द्वारा जब सामग्री न हो, जब मिक्सर न हो, कैंची न हो, तो आप हाथ के द्वारा भी इसको कर सकते हैं। हम समझते हैं कि तुम लोगों की, मेरी दो हाथ हैं और आप लोगों की बहुत सारी जोड़ लेते हैं, सब कोई मिल के यदि हाथ से ऐसे ऐसे फाड़ दे, ठीक, और हाथ से फाड़ने के बाद जो सामग्री नीचे गिरेगी उसको हम लोग पुनः एकत्रित कर लेंगे, और जो इसका जो क्वायर बचेगा उससे रस्सी बना दिए जाएंगे, या जो ये जो सामग्री बचेगी जो बहुत ज़्यादा में ही न हो सके, वो गमलों में नीचे ड्रेनेज को रोकने के लिए आप लगा सकते हैं। और ये सब जब एक जगह जमा हो जाएंगे बहुत सारे, ड्रेनेज क्या होता है, ड्रेनेज मतलब कि न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं पानी के माध्यम से क्या होते हैं, लीच आउट हो जाते हैं, जो गमले में छोटे से छिद्र होते हैं ना, उन छिद्रों से काफ़ी ज़्यादा पोषक पदार्थ जो हैं वो निकल जाते हैं, या फिर पानी निकल जाता है, तो उससे बचाने के लिए हम लोग कोको के जो ये आपका ये जो रेसे हैं, जो हम लोग कोकोपीट निकालने के बाद जो रेसे बचते हैं, उन रेसों का उपयोग रस्सी बनाने में या फिर गमलों के नीचे रखने में करते हैं, और कोकोपीट को डायरेक्ट यूज नहीं करते हम। हम क्या करते हैं, जो कोकोपीट है उनको एक जगह पहले रख देते हैं, और एक जगह रखने के बाद इसमें पानी मिलाते हैं, ठीक, पानी मिलाने के बाद थोड़ा सा कंप्रेस होकर रख देते हैं, और फिर मिट्टी में मिलाते हैं, क्या करते हैं, मिट्टी में मिलाते हैं, और मिट्टी में मिलाने के बाद उसको हम रख देंगे जहाँ पे। और सबसे अच्छा क्या होता है कोकोपीट का रिजल्ट, कि अंकुरण सबसे अच्छा, अभी तक की जितनी भी जैविक विधियाँ हैं उनमें अंकुरण सबसे अच्छा इससे होता है। और तुम ट्रे देखे होगे, है ना, जर्मिनेशन ट्रे, जर्मिनेशन ट्रे में क्या करते हैं, हम लोग मिट्टी लेते हैं, हाँ, मिट्टी लेने के बाद उसमें जो हम पानी मिला हुआ जो कोकोपीट है उसको बढ़िया तरीके से मिक्स करते हैं, और मिक्स करने के बाद उस कोकोपीट जो ट्रे है जर्मिनेशन ट्रे में बराबर मात्रा में क्या करते हैं, सबको भर देते हैं, मिट्टी की बराबर मात्रा, कोकोपीट की बराबर मात्रा, और एक एक बीज उसमें हम सुरक्षित रख देते हैं, और देखेंगे कि बहुत ही अच्छा अंकुरण हुआ। अंकुरण होने के दो कारण हैं अच्छे, एक की जो इसमें कुछ मात्रा में साइटोकाइनिन है, और दूसरी की ये भुरभुरा जो पदार्थ है और उसमें थोड़ा सा ऑक्सीजनेशन के लिए कुछ जगह हो जाता है, कि ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में मिट्टी में मिलती है, क्योंकि ये पोरस होते हैं हल्का, तो उससे ऑक्सीजन की उपलब्धता बनी रहती है, और मॉइस्चर क्या होता है, जो जल है वह बराबर मात्रा में बना रहता है, उसको कहते हैं जल धारण क्षमता अच्छी होती है, जल धारण अच्छी क्षमता हो गई, ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा हो गई, और साइटोकाइनिन या अन्य सामग्री जो जर्मिनेशन को अंकुरण होने के लिए सहायक होती हैं वो उसमें होती हैं, तो बहुत ही अच्छा जो एक रूप में अंकुरण इससे होता है। और मैं आशा करता हूँ कि यह आप लोगों को समझ में आया होगा, और एक एक सारे लड़के क्या करेंगे, इससे कोको फाइबर से कोको पीट को निकाल कर एक जगह को रखेंगे, और जब हम लोग लौकी, तोरई, या अभी जो का समय जो आ रहा है भिंडी, इन सब चीज़ों के लिए क्या करेंगे, हम कोको पीट उपयोग करेंगे, जिससे आपकी बहुत ही अच्छी अंकुरण क्षमता हो, और अच्छे लौकी और तोरई ये सब आप खूब खाएं, खूब खा के स्वस्थ रहें और मस्त रहें। धन्यवाद।